नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर। दोस्तों आज आइए मेरे पास आर पंद्रह में मिसिंग का फॉल्ट। जैसे हम 40 की स्पीड जाते हैं, 40 पे गुर्र करके बंद हो जाती है, तो हम करने वाले हैं इस जो वीडियो के अंदर मिसिंग का फॉल्ट जो है वो दूर करने वाला है। साथ में एक मीटर में एक इंडिकेशन आ रहा है लाइट का, वो दिखाता हूँ इंडिकेशन किस तरह का है, फिर उसके बाद सोल्यूशन बताऊँगा आपको। बाइक मैंने खुलवाई हुई है, तो खुलवा के पहले मैं चेक कराता हूँ। देखो मैंने जो बाइक है मिसिंग है, मीटर में पहले इंडिकेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों? तो बने रहना था दोस्तों वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो बाइक है R15, ये मेरे पास आई हुई है, ये मिसिंग का फॉल्ट है। तो उसके लिए मैंने इसका पहले फ्यूल पंप है उसकी जो फिल्टर है फ्यूल पंप का, वो मैंने इसका क्लीन कर दिया है। पर जो हमारी जो इंडिकेशन है वो दिखा देता हूँ आपको। इसका जो इंडिकेशन आया हुआ है मीटर के अंदर, अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप ये ठीक कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये लाइट है दोस्तों, ये लाइट आ जाती है, ये परमानेंटली ब्लिंक है। ये हमारी 3 या 4 सेकंड में बंद हो जानी चाहिए, पर ये बंद नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों? तो ये कारण क्या है दोस्तों? तो मैंने गाड़ी पूरी खुलवा दी है, तो उसके हिसाब से पहले तो सब फ्रेंड्स जो लाइट रही है उसको जो हम ठीक करें तो कैसे करें इसको? तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए, एक मल्टीमीटर, और साथ में मल्टीमीटर को हमने करना है इसके जो बैटरी के 4 वोल्ट है वो चेक करने हैं हमारे पास, कि बैटरी में कितने वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। तो अपना ये रेड वाला प्लस और ये नेगेटिव हम करेंगे ऐसे इस पर लगा के और गाड़ी करेंगे स्टार्ट। अब देखते हैं इसमें हम वोल्ट चेक करेंगे हमारी जो आउटपुट है। लाइट डायरेक्ट हो रखी है ये दोस्तों, और यहाँ वोल्ट देखो फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, इसमें ओवर चार्जिंग हो रही दोस्तों, बैटरी ओवर चार्जिंग। तो जो इंडिकेशन हमारा वो बैटरी RR यूनिट ख़राब होने का इंडिकेशन है फ्रेंड्स। तो इसका जो RR यूनिट है वो ख़राब है, वो मैं अभी मैंने आगे से खुलवाई भी हुई है। अगर ये आता है इसके कारण भी दोस्तों मिसिंग होती है गाड़ी, जो RR यूनिट ख़राब होता था, क्योंकि हमारा जो RR यूनिट है ओवर चार्जिंग दे रहा है, फ्यूल पम्प जो ECM है पूरी कंटिन्यूटी अच्छी तरह काम से काम नहीं कर रहा, उसमें हमारा ECM भी ख़राब हो सकता है अगर ऐसी दिक्कत आती है तो। बंद कर, ये हमारे जो वोल्ट हैं वो 14 वोल्ट से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ इसमें नया चार्जर डालता हूँ, ये मैंने खुलवाया हुआ है, खोलो इसको भाई। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर से बैटरी पर वोल्ट चेक करने हैं, इसको फिट कर अच्छी तरह से। इसमें ये मीटर के नीचे वाला जो है, इसमें हमारे दो आते हैं दोस्तों, वर्जन टू में एक सीट के नीचे होता है RR, वो महंगा भी होता है, और जो ये RR की जो कॉस्ट होती है वो अपना SZ और FZ वाला 4 पिन वाला लग जाता है इसमें। तो मैंने इसमें FZ वाला जो यार, इसकी जो MRP है 833 रुपये MRP है, 833। इसका पार्ट नंबर भी दिखाऊंगा मैं। तो मैंने ये RR डाल दिया है, अब देखते हैं हमारी कितना वो करता है, ये इंडिकेशन आता कि नहीं आता। ये इंडिकेशन आया हुआ है, ठीक है। साथ में अब चेक करते हैं इसका वो लगा, अब इसके चेक करेंगे हम वोल्ट कितने दे रहा है यहाँ पे, 14.4। साढ़े 14 से वोल्ट ऊपर नहीं जाने चाहिए, जो ECU बोर्ड इंजन कंट्रोल यूनिट होता है हमारा उसको, इतने 14 से ऊपर जाएंगे तो हमारा ECM भी ख़राब हो सकता है, ECU बोर्ड और साथ में इंजेक्टर है, फ्यूल पंप है, ये सारे हमारे जो है ख़राब हो सकते हैं। और ये दिखाओ, अभी हमारी जो लाइट है ये इंडिकेशन भी भागी है, अब देखते हैं ये देखें। मतलब
मतलब जो हमारी जो इंडिकेशन था ये आर यूनिट जो खराब था उसका इंडिकेशन आ रहा था। साथ में अपना लगा के जरूर चेक करना है, यहाँ पे जो अपना आर यूनिट है ये ज़्यादा हिट नहीं होना चाहिए। इसके आर यूनिट की थैली ले गई हो, पत्थर पर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मारा था फ्यूल पंप मैंने क्लीन करा था, उसके बाद भी ये लाइट आई थी, लाइट चेक करने के लिए मैंने इस गाड़ी को खुलवाया था। ये क्यों आ रही थी तो मैंने दिखा दिया, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर से अपने ये चेक करने हैं, ये वोल्ट कितनी वोल्ट दे रहा है, मतलब हमारा कितनी वोल्ट है। मैंने दिखा था 17 पॉइंट दिखा रहा था, ये ओवर चार्जिंग हो रही थी, ये ओवर चार्जिंग कारण हमारा ज़्यादा समस्या आ रही थी। अब ये 14.5 वोल्ट हो गई है। अब बाइक में जो इंडिकेशन है सारे ऑटोमेटिकली सब खत्म हो गए, परफेक्ट हो गई गाड़ी हमारी। और ना कोई इसमें समस्या रहेगी मिसिंग की, ना कोई दिक्कत रहेगी। दोस्तों जो इसका चार्जर की MRP है, चार्जर के जो पार्ट नंबर है वो 54BH1960H, ये 54B का पार्ट नंबर जो है ये SZR है, जो यामा की SZR उसका चार्जर है। मेरे पास ये लगा हुआ रखा हुआ था, 833 रुपये MRP है, तो मैंने ये डाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो। अगर ये नहीं है अपने R1 को 5 बार लेना, ये अब एक दूसरे में 4 पिन का इसमें लग जाता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो। अब हम इसको फिट करते हैं, इसमें इसके हम टेस्ट ड्राइव करेंगे, टेस्ट ड्राइव तो हमारी जो मिसिंग है वो ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने में जो हमारी R15 है उसमें क्या फॉल्ट निकला। अगर आपकी R15 यूज़ करते हो और ऐसी ब्लिंक लाइट आ रही है तो आपने सीधा मल्टीमीटर से बैटरी के उस पर कोल पिसा के उसके वहाँ पर वोल्ट चेक करने हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। अगर 14.50 से ऊपर आ रहे हैं वोल्ट, जैसे इसके आ रहे थे 17 वोल्ट आ रहे थे, तो इसकी ओवर चार्जिंग हो रही थी। और ये जो लाइट थी ये इंडिकेशन इसीलिए आ रहा था, ये हम ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, इसमें हमारा जो ECU है वो ख़राब हो सकता है, इंजेक्टर है, फ्यूल पंप है, हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है पूरा खराब हो सकता है, ECU भी ख़राब हो सकता है ओवर चार्जिंग के कारण। क्योंकि एक 14 पॉइंट से जितने कंपनी ने सेट किया हुआ है और वो ख़राब हो, एक क्योंकि जो हमारा मैग्नेटो है वो उसके वहाँ से वोल्ट निकल रहे हैं और वो ज़्यादा अगर उसमें चले जाएंगे एक वोल्ट से ज़्यादा, इसकी जो कैपेसिटी 14.5 है इसी से ओवर चार्जिंग होगी, वोल्ट बढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा वोल्ट होगा मिलेंगे, तो वोल्ट मिलने के कारण हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट ख़राब हो जाएंगे और साथ में वो इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक, और उसमें हमारी मिसिंग भी करती है गाड़ी, इसमें गाड़ी भी मिसिंग थी, 40 स्पीड पर भाग रही थी तो हमारी मिसिंग कर रही थी गाड़ी, जैसे हम रेस दे रहे थे गुर्र करके ऐसे, मतलब ऐसे जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, ऐसे बंद हो गया हो, ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो ये समस्या हमारी RS की RR की भी होती है, कई बार हमारे फ्यूल पंप भी ख़राब होता है, पर इसमें फ्यूल पंप का फॉल्ट नहीं था, इसमें जो RR का फॉल्ट था। ये इंडिकेशन आया था, मैंने देख लिया था, इंडिकेशन आ रहा था कौन कौन फॉल्ट है, तो सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर से इसकी चार्जिंग करी तो पता चला कि हाँ इसके RR खराब है। तो आप इजीली पता कर सकते हो हमारे ये RR खराब है बैटरी पे मल्टीमीटर लगा के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।